जिन लोगों ने नो अबाउट इन्वेस्टमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और जो लोग डेली बेसिस के ऊपर नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर अपलोड हुआ वीडियो देखते हैं, उनको पता ही है कि CDSL का कामकाज कैसा है, स्टॉक कैसा है, प्राइस टारगेट क्या है। नए तौर से बताने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं जानते हैं कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बातचीत होती है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सर ये स्टॉक, अगर आप इस स्टॉक को नज़रअंदाज करते हैं तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म में आपके लिए। तो क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ उसके ऊपर डिटेल में बातचीत करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ मूवमेंट रहा स्टॉक में आज के दिन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कि 720 रुपया के ऊपर यहां पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और लगभग 11% की तेजी स्टॉक में आज आपको देखने को मिला है। रही तरफ अगर आप देखें सर, मजा देखना अभी भी बाकी है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये लिखा हुआ है, क्यों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी समझाऊंगा। देखिए सर, जो ये डिपॉजिटरी का जो काम है, जो बिजनेस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में निवेश में, म्यूचुअल फंड के निवेश में। तो सर अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में निवेश करना, तो सर आपको किसी ना किसी डिपॉजिटरी में जो आपकी है आपका अकाउंट उसके थ्रू होना चाहिए। इंडिया के अंदर बात करें तो सर दो ही डिपॉजिटरी मेनली यहाँ पर कामकाज करती है, एक है NSDL और एक है CDSL। क्लाइंट बेस की बात करें या फिर बात करें एक्टिव अकाउंट्स की, तो सर वो CDSL का अभी इस सिचुएशन के अंदर या फिर बात करें अभी के टाइम के अंदर ज्यादा है, CDSL का NSDL को पीछे छोड़ चुका है। और अगर आप देखें स्टॉक लिस्ट कब हुआ था, स्टॉक लिस्ट हुआ था 2017 को, जून का वो महीना था और स्टॉक लिस्ट हुआ था। और सर लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखें 17 से लेकर 21 तक लगभग 4 सालों के अंदर अंदर स्टॉक ने 175% का रिटर्न बनाकर दे दिया है। रही तरफ अगर आप 52 एक लो की बात करें तो वो 211 रुपया और 52 एक हाई की बात करें तो सर वो आज ही लगाता हुआ 732 रुपया। आप सोचेंगे कि स्टॉक तो रोज ऑल टाइम हाई लगा रहा है, क्या ये स्टॉक को अभी परचेज करना सही रहेगा? तो सर मैं आपको बताने की कोशिश यही करूंगा, जो कीमती चीजें होते हैं ना सर, जो एंटिक चीजें होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है और जिनका डिमांड रहता है, और अगर आप देखें सबको यहां पर जो चीज चाहिए होता है उसका डिमांड या प्राइस आपको हमेशा ऊपर की तरफ ही देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर 300 रुपये से 250 रुपये से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक को लीजिए। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, 5000 का टारगेट भी अगर आता है तो आज आपको, आज की डेट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप तब स्टॉक का भाव कुछ अलग हो, लेकिन सर मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ, ये स्टॉक अगर 5000 का भी होता है तो यहाँ पर मुझको पर्सनली, मुझको आप क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, मुझको पर्सनली यहाँ पर कोई भी थोड़ी सी भी नहीं होगी कि सर ये स्टॉक तो 5000 भी जा सकता है। लेकिन सर इमोशन में नहीं बह जाना है, हमको यहां पर दिमाग से कामकाज करना है। पैसा लगता है साहब यहां पर, पैसा लगाने के लिए या पैसा बनाने के लिए, तो सर जो मेहनत से आपने पैसा यहां पर कमाया है उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये स्टॉक आपको हर प्राइस में लेना चाहिए। ये स्टॉक आपको मायूस नहीं करेगा, क्योंकि सर बात करें इनका जो बिजनेस है, इस बिजनेस का ग्रोथ अगर आप देखिए 2-2.5 करोड़ के आसपास का जो डीमैट अकाउंट है या फिर 4 करोड़ के आसपास का वो है। इंडिया के अंदर लगभग 134 करोड़ लोग हैं जिनमें से सिर्फ 4 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं। अभी तक 130 करोड़ लोगों ने स्टॉक मार्केट में आना बाकी है। सर मैं जानता हूं सभी नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये जो नंबर या आंकड़ा है ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेफ इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं लाइक PPF, FD, सुकन्या समृद्धि, MIS, RD, ये सारे जो टूल्स हैं, इनमें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट यानी कि आपका रिटर्न जो है ROI, रिटर्न ऑफ ऑन इंटरेस्ट अगर आप देखें, वो जैसे जैसे कम होता हुआ दिखेगा, लोग इक्विटी की तरफ आएंगे। जितने ज्यादा लोग इक्विटी में आएंगे उसका सबसे ज्यादा डायरेक्ट फायदा जिसको
होगा वो होगा सर डिपॉजिटरी और ब्रोकरेज, जो कि सर है यहाँ पर बात करें एंजल ब्रोकिंग, यहाँ पर बात करें फाइव पैसा, ICICI डायरेक्ट ऐसे जो ब्रोकरेज है उनको भी फायदा होगा। लेकिन सर सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा अगर आप देखें तो वो यहाँ पर आपको CDSL जैसे स्टॉक को होते हुए दिखेंगे, कंपनी को होते हुए दिखेंगे। NSDL को भी होगा, ऐसा नहीं कि NSDL को नहीं होगा। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी में निवेश करना और जिसका डिमांड आपको हमेशा बरकरार रहता हुआ देख पाएंगे आप, तो मैं कहूंगा सर CDSL आपके लिए एक बेहतरीन पसंद है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत नीचे के लेवल से मैं स्टॉक को बाय कर रहा हूं, अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में है। जब आप ये मतलब वीडियो देख रहे हैं सर, हो सकता है डेट चेंज हो जाए, यानी कि मैं डेट बताना चाहूंगा 6 अप्रैल 2021, अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। और मैं स्टॉक में अगर आप देखें तो सर मुझको मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न बन चुका है, लेकिन तब भी बेचने का हिम्मत मुझको नहीं होता है। पर्सनली आपको कहने की कोशिश यही कर रहा हूँ सर, अगर आप देखें जिस स्टॉक में वैल्यू रहेगा, जिस कंपनी में वैल्यू रहेगा, वो तो सर अनलॉक होगा ही, समय लग सकता है सर। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि जिन लोग जो लोग स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दे पाएंगे और टाइम करने की कोशिश करेंगे, उनको मार्केट से बर्बाद होकर निकल जाना होगा। तो सर मैं सीधा सीधा आपको कहना यही चाहूंगा, अच्छी कंपनी चूज कीजिए और उसको टाइम दीजिए, टाइम करने की कोशिश कभी ना कीजिए। यहां पर देखिए तो सर महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन, यहाँ पर आप देखें तो सर 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो यहाँ पर लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन यहाँ पर लगा है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है लॉकडाउन आगे चलकर आ भी सकता है, लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा पिछले साल के साथ इस साल को आप कम से कम कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सर पिछले साल आज की डेट हमारे पास वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन की सुविधा नहीं था। लेकिन सर आज की डेट में बात करें तो सर वैक्सीनेशन जितने तेजी से हो रहा है सर, उसके चलते सर मुझको नहीं लगता कि जो कहर पिछले साल बरसा था वो इस साल भी बरसेगा। तो पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहिए, पैसा बन रहा है थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं फर्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर मैं कहना यही चाहूँगा, इक्विटी से एग्जिट मारने का टाइम ये नहीं है, लिख के रख लीजिए, इक्विटी से एग्जिट कर लेने का टाइम ये नहीं है। तो ये आप अपने दिल दिमाग को समझा दीजिए, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको यहाँ पर ये डिसीजन लेने के लिए फोर्स करने वाला या फिर सलाह देने वाला। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए सर, बातचीत हमारी होगी। लेकिन इक्विटी से एग्जिट करने का वक्त ये नहीं है। ये इक्विटी में अगर आप चाहते हैं एंट्री करना तो एंट्री करने के लिए भी बहुत से स्टॉक हैं जहां पर अच्छे मौके बन रहे हैं या बनेंगे। तो सर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से आप पैसा कमाएंगे तो सर मैं आपको सीधा सीधा यही कहूंगा, मार्केट से प्यार कीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए, टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। यही कुछ था सर, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।